यहाँ पे कुछ आ चुका है अंकल जी का सामान। क्या है ये? ये देखो यार, ना तो गाड़ी में टेल लाइट्स हैं, बम्पर भी भाई रिमूव कर रहे हैं गाड़ी का। यार मेरी ना गाड़ी के मामले में किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। देखो अभी आ चुकी है मम्मा। मम्मा मैं आपके चक्कर में इतना वेट कर रहा हूँ सुबह से कि मम्मा कब आएंगी। पता है क्यों? वो गाड़ी लेके गए थे ना आप, इसलिए। मैं तो इसीलिए वेट कर रहा था कि अंकल जी आपके साथ गए हैं, तो मैं अंकल जी के साथ जाऊंगा गाड़ी। और अब देख लो 5 बज चुके हैं, अब कर रहा हूँ मैं व्लॉग स्टार्ट। अंकल से पहले पूछ ले कि वो जाएंगे तेरे को लेके। मेरे को उन्होंने बोल दिया कि रुक जा, जहाँ चलोगे वहाँ जाऊंगा। हमारे साथ में ही प्रॉब्लम है। पापा और मम्मा के साथ में ना थोड़ा अंकल जी रहते हैं, थोड़ा डर डर के कि ऐसा कुछ गलत कुछ गलती ना हो जाए। मेरे साथ क्या, अंकल जी बिल्कुल फ्री रहते हैं कि भैया कुछ ये कर लूँ वो कर लूँ, चाय के लिए गाड़ी रोकनी। मैं अपने आते हुए मेरे परांठे नहीं लाया आज। मैं ये याद कर चुकी हूँ, तूने बोला ही नहीं। तो मैं फोन करते थे, मैं जब वहाँ से निकली ना, फोन नहीं करा मेरे को आज पराठों के लिए। तो कोई कैसे हो आप लोग? मेरे पापा ने आज काम दिया कि मेरे को जरा जाके देखनी है गाड़ी कि कितने बजे होगी उनकी रैप। इनका मैं चक्कर ही खत्म नहीं होता, नई गाड़ी लेंगे उसके बाद में थोड़े टाइम बाद बोलेंगे गाड़ी का रैप चेंज कर दो। सुन तो लो, जिनकी गाड़ी है ना उस टाइम उनको ही पट्टी बना दी कि भाई तुम येलो गाड़ी चला रहे हो, तुम गाड़ी कलर चेंज कर दो। देयर शुड बी मैच बिटवीन द नंबर एंड द कलर ऑफ द व्हीकल। मैं वो बंदा गाड़ी चला रहा 5 साल से अगला, अगर उसके पास गाड़ी 5 साल से है, वो उस ओनर को पापा ने रियलिटी पट्टी है। अगर आप यहाँ पे गाड़ी छोड़ रहे हो, क्योंकि वो जो ओनर है, मैं गाड़ी यहाँ पे ला के थोड़ा गए आउट ऑफ इंडिया, वो लंदन गए एक्चुअली। तो उन्होंने क्या हरकत करी, पापा ने को बोल दिया कि गाड़ी अच्छी लग रही है, नहीं सर आपका जो गाड़ी का नंबर है ये 2 नंबर है, इस पर येलो गाड़ी मतलब ऐसे कुछ ना कुछ कर दिया। पता नहीं मैं कौन सा हो रहा है, पापा का जो कलर है वही होगा शायद, देखते हैं। तो अपने करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। जाता हूँ एक बार, पापा मेरे को बोला कि जाके कर तू गाड़ी देखा, और भाई मस्टैंग जैसी गाड़ी कौन जाके नहीं देख कर आएगा। तो चलो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, वी व्लॉग्स बैक हियर। अभी देखो हो चुका है मौसम बिल्कुल बढ़िया बारिश वाला। हाँ। मम्मा अच्छा आज क्या खाओगे? आज तो सारा डिनर नानी ने दिया है। अच्छा वही खाएंगे। अंकल नोट गिनती कर रहे हैं, क्या हाल है अंकल जी? बहुत बढ़िया, लॉन्ग टाइम नो सी। अंकल ये रेड बुल देख रहे हैं। अंकल जी आपकी वो चीज़ नहीं है, ये रेड बुल है, मैं वो चीज़ नहीं पीता। हाँ ना पीनी चाहिए आपको। वो तो है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ना कि अंकल जी, बिकॉज अंकल जी बहुत अभी चला कर गए ना गाड़ी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल जी गाड़ी मैं चला लेता हूँ। हाँ और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया भैया। अंकल जी की एक्चुअली बेटी का ना पेपर है, तो अंकल जी को कुछ कहानी बता रहे हैं, क्या वही बता रहा जरा? वही बता रहा हूँ भैया, जब उसका जो है सेंटर के लिए वो आया तो परसों, तो मैंने बेटे को बोला बेटा देखो प्रीति का सेंटर कहाँ है, तो भाई बोले अब पापा 9 बज रहे हैं, अब सुबह देख लेंगे। अरे मैं बोला यार 2 मिनट लगेंगे देख लो। बोला नहीं इस टाइम नहीं देखूंगा, सुबह ही देखूंगा। तो भाई सुबह हो गया, मैं बोला यार कल नहीं देखा अब देख लो। अरे बोला हाथ मुंह धोने दो पहले उसके बाद देखेंगे। तो भाई उसको भी जर किया, मैं ड्यूटी होके आने लग गया, मैं बोला भाई अब तो बता दो। अच्छा उसके बाद लैपटॉप उठाया देखा, बोला मोतीनगर में है, यहाँ है वहाँ। अरे मैंने बोला यार ढंग से समझाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। बोला लेके हमें जाना है, आप क्या करोगे? वैसे अंकल बात ये भी सही है, जाना आ जाना लेके आप क्या करोगे जान के? तमता बड़े है ड्राइवर भाई। यहाँ पे कुछ आ चुका है अंकल जी का सामान, क्या है ये? अब भैया खोलने के बाद अंकल आप ही खोलो, आई खोलो सामान है, खोलो। चलो भाई खोलता हूँ, खोलना एकदम पका के खोलूंगा भैया। अंकल जी बहुत खुश हो रखे, देखो आज तो भाई अंकल जी का पासपोर्ट। कुछ बंदे खोज रहे थे अंकल जी का पासपोर्ट नहीं बनेगा। हाँ भाई। हाँ वो बोले पासपोर्ट दिखाओ जब मैं विश्वास करूंगा। देख लो भाई अंकल जी का पासपोर्ट देख लो, ठीक है देख लो भाई पूरे पन्ने, अभी अभी नया नया पासपोर्ट बनकर आ गया। ये अंकल जी की फोटो। भाई हम पहुंचने वाले हैं अभी फिलहाल तो घटोरनी, और भाई हम सोच ही रहे हैं बारिश कब होगी बारिश कब होगी, बारिश ही नहीं हो रही। लेकिन अभी अंकल आते हुए ना शायद बारिश बहुत तेज़ की हमको मिलेगी, बट ये सीन है कि जो मस्टैंग है ना वो हैराप हो चुकी है, 50% गाड़ी आई थिंक वो कल या परसों मिल जाएगी, एंड आई कांट वेट टू ड्राइव इट बैक। एंड भाई लैम्बोर्गिनी और मस्टैंग की जो रेस होगी भाई, कौन कौन उसके लिए साइड में को बताना कमेंट्स के अंदर, बिकॉज भाई मैं तो इसके लिए हूँ बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अंकल जी एक बात बताओ। हाँ भाई। आपको सबसे अच्छी गाड़ी आज तक कौन सी लगी चलाने में? बिकॉज आपने ऑडी भी चला ली, आपने मर्सिडीज भी चला ली, आपने BMW भी चला ली, आपने वॉल्वो भी चला ली, आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी? मतलब आप बोलोगे कि ये नंबर 1 गाड़ी लगी। भाई अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे अच्छी तो हमें लैम्बो लगी। लैम्बो में चलाई कब? चलाया हूँ 100 मीटर चलाई बस। आई एम डॉन। गाइस हम पहुंच चुके हैं फिलहाल तो भैया की शॉप पे। अंकल जी पहले घुस के अंकल गाड़ी देखने चले गए थे, चलो जाके देखते हैं हम गाड़ी। भाई मस्टैंग मेरे सामने, क्या कर दिया मस्टैंग के साथ में यार, तुम नंगी कर दिए।
ये देखो यार, ना तो गाड़ी में टेल लाइट्स हैं, बम्पर भी भाई रिमूव कर रहे हैं गाड़ी का। हाँ भाई, और साथ ही साथ भाई गाड़ी में दरवाजे कहाँ हैं? ओ भाई दरवाजे जीतू भाई ने। अंकल आप एक काम करना, आप गाड़ी में ऐसे ही बैठ जाना, दरवाजा बंद करना। अच्छा, हाँ जी, पता चले जो है स्टीयरिंग बेल्ट पहन लेना। मैं आपको अंकल की गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा इधर काट दूंगा। हाँ, लेकिन मैं अंकल अपना गाड़ी का दरवाजा अपने साइड का लगवाऊंगा भाई। जब सीट पकड़ के लटकता हुआ मैं चलूंगा जैसे अंकल मुंबई के टाइम में लोग लटकते हैं ना। हाँ वैसे। बट अभी अंकल जी नंगी ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बड़ी आगे हो भाई, गाड़ी में बम्पर वगैरह सब हटा दिया भाई। ओ भाई क्या बात है। सॉरी के आपको मैं क्लिप दिखा रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट करके, बिकॉज भाई जो असली रैप है ना आपको रिवील कर दूंगा कल ये परसों वाली वीडियो। हाँ, में बिकॉज भाई व्यूज चाहिए ना, देखो व्यूज उसमें गाड़ी छुपेगी टाइटल में आराम से थंबनेल के अंदर, तो मजा अलग ही आएगा वो है भैया। और ये देखो हरी गाड़ी के पार्ट्स पड़े हैं, ये दरवाजे पड़े हैं, बम्पर पड़ा है, फुट लाइट्स पड़ी हैं, हेडलाइट्स पड़ी हैं, आगे की ग्रिल पड़ी हुई है। जो सबसे पहला कमेंट करेगा भाई इस वाली गाड़ी का रैप कौन सा है, मैं उसको वाले कमेंट को पिन करूंगा। चलो ये वाली डील डन, ठीक है। आप कमेंट्स बताओ आपको गलत है एक वाला गाड़ी का रैप मैंने कौन सा करवाया है। वैसे तो मैंने नहीं करवाया, जो ओनर है गाड़ी का उन्होंने करवाया, बट मेरी इसमें सहमति थी कि ठीक है इसमें अच्छी लगेगी गाड़ी, बट विद स्ट्राइप्स। देखो इसमें अंकल की सानी बहुत है, उतरना सीधे ऐसे उतर जाओ, कोई गेट नहीं खोलना, कोई कुछ नहीं करना, आराम से अंकल। वैसे गाड़ी होनी चाहिए दरवाजे के बिना, ये तो है भाई उसका मजा है भाई। अंकल जी फिर लोग बताएंगे बोलेंगे ये तो पागल हो गया है, मैं मजा ले रहा हूँ उसके बाद में। अंकल जी लोग समझते हैं, सच बोल रहा हूँ मैं ये बात। नहीं भैया, तो मजा लेने वाली चीज पे आप लोग भी मजा लो, लेकिन कमेंट मत करो। वो कुछ दो तीन लोग होते हैं ना अंकल चुलबाज लोग, जो कमेंट करना ही करना, तो उनसे छोड़ो बाकी गई। देखो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो अच्छा सिस्टम है, ऐसी गाड़ी के बाद आए उतर के। तो गाड़ी से बहुत दुश्मन नहीं है, हमेशा गाड़ी के जैसे पूरे सारे गाड़ी के पार्ट खोल देते हैं हमारी भैया, तो खोल दिए थे पूरे तक भी तो रैप करनी है भैया पूरी। अच्छा बढ़िया लगेगा सर, लेकिन जैसे लैम्बो का हुआ वैसे परफेक्ट होगा। ठीक है भैया, ओके ठीक है, लेकिन काम मत बढ़ाना। काम में बढ़ाना है, पैसा में बढ़ाना, काम बढ़ा देना कोई दिक्कत नहीं। काम बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन पैसा ना बढ़े भैया। आखिरी कहे थे वो तो भाई आगरा गए, आगरा गए थे। जब जब दिल्ली में ठेके के बाहर भीड़ लगती है ना, अरे भैया तो अंकल से समझ जाएगा कि वन प्लस वन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अरे देखो ठेका अंग्रेजी शराब का, इतनी लंबी भीड़ यार, ओ मां देखो यार बाइक के लोग चले गए। दारू पीना छोड़ दो, ऐसे भीड़ मत करो। अरे भाई सुपर का उसके लिए वाली जो प्लेस है बहुत ज्यादा फैमिलियर होगी, तो अभी यहाँ पे आज को मैं कुनाफा पे, चलो चलते देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। बकलावा क्या यार, मैं अभी आया हूँ कुनाफा में, एक्चुअली यहाँ मिलते हैं बकलावा, तो मैंने सोचा भाई दुबई में तो मिलते थे बकलावा बट यहाँ के भी अच्छे होते हैं, तो बस मैंने अपने ले लिया बकलावा एक। तो बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अपना पहला मील खा रहा हूँ दिन का 8:04 पे, और वो भी क्या खा रहा हूँ, वेज सैंडविच साथ में कॉफ़ी बरिस्ता के अंदर। ओके अंकल जी भाई, ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? अरे कुछ नहीं अंकल जी, कह रहे घर जाके पीऊंगा आराम से। बाय 12:00 PM संडे का दिन है, बट भाई ब्लॉग की एडिटिंग चल रही है और यहाँ चल रहा है IPL का फाइनल, तो भाई बस अभी चाहिए 9 रन जीतने के 18 बॉलों पे, देखते हैं भाई कौन जीता है। गुजरात आई थिंक जीती पड़ी है, बट फिलहाल के लिए सेंटर बस निकल रहा है। यार मेरी ना गाड़ी के मामले में किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले मैंने Audi की S4 बुक करवाई, और देखो भाई मेरे हिसाब से आप प्री ओन्ड कार ही परचेज करो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज अगर आप करते हो परचेज एक न्यू कार परफॉर्मेंस कार, तो भाई इन एक्चुअली कार्स के ना कस्टमर्स वगैरह बहुत कम रहते हैं मार्केट में। तो इफ़ यू बाय द कार, सपोज मैं लेता हूँ S5, तो भाई 80 लाख की नई गाड़ी परचेज करते हो, उसको मैं बेचूँगा एग्जाम्पल 2 या 3 महीने बाद में, या एग्जाम्पल बेचता हूँ 1 साल बाद में, तो 20 लाख रुपये का नुकसान भाई कहीं पर भी नहीं गया। तो भाई कौन 20 लाख रुपये का नुकसान झेलेगा, मेरे बस की तो भाई देखो नहीं है। मैं ऐसा बंदा हूँ कि भाई मतलब प्री ओन्ड कार परचेज करूँगा बट एक अच्छी क्वालिटी में, ये नहीं कोई अच्छी बेकार गाड़ी परचेज कर ली। एंड अ स्मॉल एडवाइस टू यू गाइस आल्सो कि जब भी आप कोई परचेज कर रहे हो प्री ओन्ड सुपर भाई सुपर कार, तो भाई कोई भी आप कार परचेज कर रहे हो तो भाई उसको लेकर जाओ पहले गाड़ी के शोरूम, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि जो हमने वाला बंदा है वो गाड़ी क्यों बेच रहा है, गाड़ी में कोई दिक्कत हो या कोई मेजर दिक्कत हो। उसके बाद में लेके अपनी Audi S4 को शोरूम, भाई उन्होंने कम से कम लगाया 2 या 3 दिन शोरूम वालों ने, एंड जो एस्टिमेट आया गाड़ी का वो आया 4.5 लाख का, बिकॉज गाड़ी का जो गियर बॉक्स था वो खराब था। हालांकि जो मेरा टोकन अमाउंट अभी तक फंसा पड़ा है, मेरे टोकन अमाउंट वापस नहीं मिला, तो कभी आपसे बात करूंगा उसके बारे में फ्यूचर में, बट अभी के लिए उसको जरा छोड़ देते हैं। उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई RS5 परचेज करते हैं, बिकॉज उसमें भी पावर अच्छी खासी है। गाड़ी के जो डीलर है मेरे को उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस गाड़ी हमको पेमेंट करो ले जाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, तो Audi जो Audi है उसके पैसे मैं भरता हूँ, कितने होंगे 11-12 हज़ार रुपये Audi लेगा, मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे Audi वालों को। उसके बाद गाड़ी शोरूम गई, वहाँ एस्टिमेट आया 11.7 लाख रुपीज़ का कार के अंदर। स्टेयरिंग पुली गाड़ी की ब्रोकन थी, गाड़ी का एक्सल ब्रोकन था, AC वेंट्स ब्रोकन थे, मेजर इशू था गियर बॉक्स का। अब देखो जितनी हरी परफॉर्मेंस कार्स हैं जितने हरे लोग लेते हैं वो कौन लेते हैं, जिनको भाई शौक शौक होता है गाड़ी भगाने का, तो ऑब्वियसली जो लोग गाड़ी भगाने का शौक रखते हैं वो गाड़ी खींची हुई होंगी
क्योंकि उनको भी गाड़ी का शोरूम तो भाई मम्मी ऑब्वियसली खर्चा होगा गियर बॉक्स के अंदर, तो बस जितनी हरी गाड़ी में खर्चा है गियर बॉक्स का। अब भाई फिलहाल ये सीन चल रहा है, पापा ने बोला तो भाई इतनी पुरानी गाड़ी परचेज मत कर, तो ऐसी गाड़ी देख ले जो तेरे को समझ आती है, और 18 मॉडल 19 मॉडल 17 मॉडल इनमें से कोई कर ले कि इन्हीं की 11-12 मॉडल परचेज कर रहा है जो कि उनके पास सही भी है। तो बस देखते हैं, बस मैं वेट कर रहा हूँ कोई मेरे को अच्छी गाड़ी मिल जाए, बिकॉज मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस कर, ये ना हो कि भाई मैं कोई एग्जांपल ऑडी A6 परचेज कर लूँ उसको मैं ऐसे गाड़ी को थोड़ा भगाऊँ तो भाई गाड़ी का जो इंजन है वो बैठ जाए, बिकॉज मैं चाहता नहीं। आई वॉन्ट परफॉर्मेंस कार ओनली, उसके लिए आई एम वेटिंग, बिकॉज इतनी तो परफॉर्मेंस कार इंडिया में है नहीं, और जो है वो भाई ऐसी मतलब उनकी जो हालत है वो खराब सी है। तो बस देखते हैं गाड़ी कब अपनी आती है। बाकी खत्म करता हूँ अपने आशिफ ब्लॉग को यहीं पे ही, मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, गाइस टिल देन बाय एंड स्टे सेफ, बाय बाय। एंड थोड़ा विश करो यार मेरे बारे में कि भाई जल्दी गाड़ी मेरे को मिले, ताकि आप लोगों को मिले बिल्कुल बेटर बेटर ब्लॉग्स गाड़ियों के। तो यार बाय, स्टे सेफ। Watch my face, start my day. Wake up, get up, stretch my legs, eat some.